गाइस वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम साउथ कोरिया। सो फ्रेंड, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक काफ़ी वायरल हुआ था, इंडियन आर बैन इन साउथ कोरिया। और हुआ क्या था रिसेंटली, एक इंडियन बंदे ने, जो कि उसके साथ में गर्लफ्रेंड थी कोरियन, वो जाते हैं एक क्लब में, ये सोल का एक केस है। और वहाँ पर एक क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा था इंडियंस एंड पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड। उसके बाद उसने वीडियो बनाकर, वो यूट्यूबर था, उसने वायरल कर दिया और उसके बाद में बहस शुरू हो गई। और तो इसी यहाँ पे मेरे माइंड में भी था ये टॉपिक बहुत पहले से रेसिज्म के बारे में, और मेरे कुछ दोस्तों ने बोला था कि यार कोरिया में रेसिज्म के बारे में बताओ, क्या यहाँ पर भेदभाव है या नहीं है फॉरनर्स के साथ में। सो मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे इस बारे में बताना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ करीब 4 साल से रह रहा हूँ। सो मुझे भी एक्सपीरियंस है और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसे केस हुए हैं जिसके बिहाव पर मैं कह सकता हूँ साउथ कोरिया में रेसिज्म को नकारा नहीं जा सकता, इट मीन्स साउथ कोरिया में रेसिज्म है। सो मैं अपना पर्सनल जो मेरे साथ हुआ है वो भी शेयर करूँगा, और जो नॉर्मली होता है, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। सो नॉर्मली होता क्या है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मैं सोल की बात करूं तो आप मेट्रो से ट्रैवल करेंगे, तो मेट्रो में अगर सीट खाली है और आप अगर आप बैठे हुए हैं, आपके बराबर वाली सीट खाली है, तो कोरियन जो लोग हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादातर लोग आपके पास बैठने में थोड़ा सा संकोच करेंगे। अगर आप इंडियन पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी लाइक दिस या अफ्रीकन हैं, इनके इस जैसे दिखते हैं, सो वो पहले कोशिश करेंगे कि साइड से बैठें, और आपको फील होगा कि यार सीट खाली है और बंदे खड़े हुए हैं, बैठ नहीं रहे। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। सो ये हो गया, अगर आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो वो आपके पास में बैठते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोरियन के पास में जाके बैठते हैं तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है और वो उठकर या तो खड़ा हो जाएगा या फिर दूसरी सीट पर बैठ जाएगा। तब आपको खुद फील होगा कि कहीं ना कहीं ये बंदा मेरी वजह से गया है। तो इस तरह से ये भेदभाव देखने को मिलता है, और ये अक्सर से होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोरिया में हैं तो कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ़ोन यूज़ ना करें। अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट है तो बहुत हल्की आवाज़ में आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप लाउडली अगर फ़ोन पर बात करेंगे या फिर आपस में बात करेंगे तो ये इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, सब अपने फ़ोन में ही बिजी होते हैं। आप देखेंगे कोरिया में, मैं चाहे बस हो या मेट्रो, ये लोग अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, ये आपस में बहुत कम बात करते हैं। सो इससे पता ये चलता है कि ये लोग आइसोलेटेड हैं, आइसोलेशन को बहुत पसंद है, ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है फॉरनर्स के साथ में, ये अलग अलोन रहना पसंद करते हैं, उसमें ये खुश रहते हैं। ज़्यादातर ये गेम्स खेलते हैं मोबाइल में और उसी में ये बहुत खुश रहते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इंडियंस से हेट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि ना तो कोरियन इंडियंस से हेट करते हैं ना ही लाइक करते हैं, दे आर न्यूट्रल। अगर आप इन कोरिया में हैं तो वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं रूल्स तो इट्स ओके, अदरवाइज हेट तो नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हेट करते हैं। और लाइक की बात करूँ तो मुझे लगता है जो कोरियन लोग हैं वो वाइट पीपल को पसंद करते हैं, जैसे कि अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन लाइक दिस। सो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश या अफ्रीकन या फिर नेपाली, इन लोगों के साथ में दे आर ओके, बट दे डोंट हेट, आई थिंक सो दे डोंट लाइक ऑल्सो। बस देखा ये गया है कि ये सोचते हैं, इनका सोचना ये है कि अदर एशियन कंट्रीज हैं तो वो हमसे नीचे हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो आपको इनको देखने में मिलेगा। बट कहीं ना कहीं ये रूल्स फॉलो करते हैं और ईमानदार हैं। सो ईमानदारी तो कह सकते हैं कोरिया में बहुत है, मेरे साथ ऐसे बहुत केस हुए हैं, जैसे कि मैं कभी अपना फ़ोन छोड़ कर आ गया हूँ रेस्टोरेंट पे या एटीएम पे मशीन पे, तो वहीं मिलता है, या फिर पुलिस स्टेशन पे आपको कोई भी चीज़ है कोई उठाता नहीं है,
ईमानदारी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सेफ कंट्री है, क्राइम रेट ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो मेरे साथ भी एक दो केस ऐसे हुए हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मैं बुसान में था। बुसान जो है कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। मैं अपने दोस्त के साथ में पार्क में बैठा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, बराबर वाली जो बेंच थी उस पर एक कोरियन एजिड पर्सन बैठा हुआ था। मैंने एक पैर के ऊपर पैर रखा और मैं अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। सो कुछ देर के बाद उस बंदे ने मेरे जूते को, मेरे शूज को हिट किया, बहुत तेज हिट किया। हम उसको समझ नहीं पाए ये क्या हुआ, हमने तो उससे कुछ बोला ही नहीं। सो पता नहीं उसको क्या पसंद नहीं आया, क्या था समझ नहीं आया। सो इस तरह से पहला केस था। दूसरा, एक बार की बात है, मैं ट्रेवल कर रहा था मेट्रो में, सोल की बात है ये, और मेरे पास एक कॉल आती है और मैं रिसीव कर लेता हूँ। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मेरे जस्ट अपोजिट साइड में एक कोरियन एजिड बंदा बैठा हुआ था। वो ये देख लेता है कि मैंने कॉल रिसीव की। तो उसके बाद क्या होता है ना, वो मुझे हेलो, हे मिस्टर, लुक एट मी लाइक दिस, थोड़ी इंग्लिश बोलता है, हालांकि कोरिया में इंग्लिश लोग बहुत कम बोलते हैं। उसके बाद वो मुझे लगता है वो ड्रंक था, तो मेरे पास आता है, मैं उसे इग्नोर करता हूँ। मुझे कोशिश करता है, वो कुछ कैश दिखाता है कि ये रख ले तू, फिर मैं उसे कहता हूँ आई डोंट नीड इट, डोंट टॉक टू मी। उसके बाद में मैं उतर जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो मैं फिर उतर जाता हूँ, फिर दूसरी मेट्रो में मैं जाता हूँ। तो इस तरह से केस हुए हैं। साथ में एक बार मैं बस में ट्रेवल कर रहा था प्रोफेसर के साथ में, प्रोफेसर मुझसे बातचीत कर रहे थे हम आपस में। आगे वाली सीट पर एक एजिट कोरियन, उसने ऐसे इशारा किया कि चुप हो जाओ, साइलेंट रहो। एक्चुअली होता है क्या है ना, कोरिया में जो एजिट लोग हैं स्पेशली मैन, वो थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं। यंग जनरेशन ने वो थोड़े फ्रेंडली हैं आजकल के लोग, लेकिन अभी जो एजेड हैं वो धीरे धीरे, अभी उनको उनके अंदर चिड़चिड़ापन है वो देखा जाता है। दूसरी बात, कोरिया सेफ कंट्री, बट रेसिज्म को यहाँ नकारा नहीं जा सकता। रेसिज्म कोरिया में देखा जाता है और कई बार इस टॉपिक पे लोगों ने बात की है ओपनली, और गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है, बट ये लोगों की थिंकिंग है, पता नहीं कब चेंज होगी। स्पेशली एशियन के साथ में कोरियन का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, शायद तो लैंग्वेज भी एक रीज़न है, बैरियर है। कोरियन इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी ओवरऑल कोरिया में रेसिज्म को मना नहीं किया जा सकता है। बस आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आप कोरिया में हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको फ़ोन या फिर कॉल नहीं करनी है, आपको साइलेंट रहना है और कोरिया में रूल्स फॉलो करना है। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।